हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल दौड़ीगनों की तरफ से आप सबको स्वागत है। मेरा आज का रेसिपी है सूजी का लड्डू। सूजी का लड्डू बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सूजी, फ्रेश नारियल, चीनी, कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क, घी, छोटी इलायची और दूध। पहले कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी डालना है। घी हल्का गर्म हो गया है। अभी इसमें 200 ग्राम सूजी डालना है। एकदम बारीक सूजी नहीं चाहिए, इसके लिए थोड़ा दानेदार टाइप का सूजी चाहिए। अभी इसको लो से मीडियम फ्लेम में हल्का भूनना है। मैंने सूजी को 7-8 मिनट भून लिया। इससे अच्छा खुशबू आ रहा है और हल्का ब्राउन कलर भी आ गया है, मतलब भुनना हो गया है। अभी कढ़ाई में 1 कप दूध डालना है, फिर 1/2 किलो चीनी डालना है। अभी फ्रेश नारियल डालना है। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज का 2 नारियल लिया है। मैंने इसको काट के फिर ग्राइंड कर लिया। नारियल ग्राइंड करने से लड्डू का शेप बहुत ही अच्छा आता है। अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है, फिर इसको लगभग 20 मिनट कुक करना है। नारियल का ये मिक्सचर एक जगह आ गया है और चिपचिपा भी हो गया है, मतलब कुक करना हो गया है। मैंने गैस बंद कर दिया। अभी भुना हुआ सूजी डाल के अच्छे से मिक्स करना है, फिर कुटी हुई छोटी इलायची पाउडर डालना है और कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क डालना है। मैंने 1/2 लीटर दूध के साथ 1/2 टीस्पून घी, 2 टेबलस्पून पाउडर मिल्क और 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क एक साथ अच्छे से बॉईल करके गाढ़ा दूध बना लिया। अभी इसको डालना है, फिर इसको मिक्स करना है। मैंने यहाँ पे 5 टेबलस्पून गाढ़ा दूध डाल दिया। यहाँ पे जितना चाहिए उतना ही गाढ़ा दूध डालना है। अभी इससे गोला बनाना है। मैंने पहले हाथ में घी लगा लिया, फिर गोला बनाना है। इसको गर्म रहते ही गोला बनाना है। ये लड्डू ठंडा होने का बाद और थोड़ा टाइट हो जाता है। बस रेडी हो गया है सूजी का लड्डू। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब